और हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर माहवारी में स्वच्छता और अधिकार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सूबे की महिला विकास मंत्री रेखा आर्या ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में मंत्री आर्या ने कहा कि माहवारी शर्म या ग्लानी का विषय नहीं है, यह प्रकृति और नारियों को दी गई शक्ति का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1 रुपये में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जिसे पूरा कर दिया है। वही कार्यक्रम में 3000 बालिकाओं को सैनिटरी पैड्स बांटे गए हैं। साथ ही आंगनबाड़ियों के सितंबर माह का मानदेय 24 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। इस मौके पर विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि पहले लड़कियों को राइफल चलाने से मना किया जाता था, पर अब पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि बालिकाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, अधिकारिक और अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी तो प्रदेश और देश दोनों तरक्की करेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे रखा गया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास जो विभाग है उसने स्वास्थ्य विभाग से भी जो है यहाँ पर विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था, जिसमें वहाँ की तरफ से मैं यहाँ पे उपस्थित हुई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। स्वयं हमारे विभाग के माध्यम से पैनिक बटन का वितरण 2017-18 में किया गया और उस पैनिक बटन का फीडबैक भी बहुत अच्छा आया, लेकिन उसमें एक ये रहा कि क्योंकि उसकी धनराशि लगभग 3,500 के करीब थी, जिसको हर कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता था, जिसको हमने सब्सिडी आधार पर 1500 रुपये में भी दिया, परंतु उसके आगे खरीद को लेकर जो है थोड़ी सी दिक्कतें रही, लेकिन पैनिक बटन ने बहुत अच्छा काम किया।